एयर फिल्टर गाड़ी का कैसा चेंज करते मैं बता रहा हूँ आपको। एक्टिवा का एयर फिल्टर डालने के लिए ये बॉक्स ओपन कर लेना और आपको ये स्क्रूस आते हैं पूरे स्क्रूस खोल लेना। अंदर डस्ट देख सकते हैं आप, ये डस्ट है और एयर फिल्टर इस पर पूरा डस्ट बैठे हुआ है। ये क्या ब्रीथिंग पाइप है, यहाँ से कार्बोरेटर में एयर सप्लाई होता। अब एयर सप्लाई यहाँ से सक करता है, यहाँ से सक करके यहाँ से लेके ये पोजीशन पे रहता है एयर फिल्टर। अब जो भी डस्ट है यहाँ रुक जाता, फ्रेश एयर यहाँ से इनसाइड जाता। तो अभी ये फिल्टर के ऊपर पूरा कार्बन आ गया, कार्बन मीन डस्ट बैठ गया पूरा। अभी पूरा जितना एयर अंदर सप्लाई होना सप्लाई होने नहीं देता, क्योंकि ये जो है ना इसके ऊपर का जो भी कार्बन पेपर वो जैम हो गया। तो इसको आप रिप्लेस कर देना। मेरे कने एक है एक्टिवा का एयर फिल्टर, एक्टिवा 3G 5G सेम रहता है एयर फिल्टर। तो कोई बंद ये एकदम फ्रेश है, इसके ऊपर डस्ट नहीं है कुछ भी, क्योंकि नवा है। अब मैं ये ऐसा लगा दे रहा हूँ, ये देखिए ये बैठ गया। अब फ्रेश एयर जाता, जितना एयर यहाँ से सक कर रहा है पूरा इंसर्ट जाने के चांसेस है, क्योंकि एकदम फ्रेश है पेपर, पुराना पेपर जैम हो गया। पहले स्पंज सिस्टम था, सिस्टम निकाल दिए, अभी ये जो है ना फिल्टर डायरेक्ट चेंज कर लें आप। यहाँ जो है ना देखो, अब कंपनी वाले भी यहाँ मेंशन किए हुए, डू नॉट क्लीन एयर फिल्टर रिप्लेस। तो मैं ये पूरा क्लीन करूँ, देखिए जितना हो सका आप डस्ट पूरा निकाल लीजिए अंदर का, ताकि फिर एयर फिल्टर पेपर पे आके ना बैठे। मैं फिर से इसको फिक्स कर दूँ। बहुत इजी है एयर फिल्टर चेंज करना, अगर इसके लिए पूरा बॉक्स खोलना पड़ता है। मैं पूरे स्क्रूस लगा दे रहा हूँ, फिक्स कर ले रहा हूं। बहुत इजी है एक्टिवा एयर फिल्टर हाउ टू चेंज। ये स्क्रू ड्राइवर सही रहने नहीं रहने की वजह से आपको लोड डालना पड़ता है, ये स्किड हो जाता। तो ऐसे स्क्रू ड्राइवर डोंट यूज़।